नमस्कार। मैं अपने संगीत सुनने वाले, सीखने वाले, आज हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से बाहर जो फ्लूट को बहुत पसंद करते हैं, सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते, समझना चाहते, उनके लिए है कि मेरे घराने, मेरे घराने मतलब कि मेरे पिताजी का जो घराना पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी का जो स्टाइल है, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो जिस पद्धति से मैं बजाता हूं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं विलंबित एक ताल में या द्रुत तीन ताल में या धुन की जो स्टाइल है वो मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। और विलंबित एक ताल में क्या है कि ख्याल अंक की चीजें हैं, क्योंकि इसमें शब्द तो है नहीं, इसमें सिर्फ मेलोडी है, धुन है, हम उसको गायकी अंक से पेश करते हैं। अब मेन है कि गायकी अंक को पेश करने के लिए हमें, जैसे कि एक वोकलिस्ट कैसे शुरू करता है अपने राग, उस चीज को मैंने कोशिश किया है और गुरु के आशीर्वाद से, तो मैं उसको आपको समक्ष सुना रहा हूं कैसे है। क्योंकि अक्सर क्या है, गवई लोग स्वरमंडल भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं शुरू से पहले मैं एकॉस्टिक स्वरमंडल इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरमंडल है, मीन्स स्वरमंडल मीन्स हार्प। राग यमन इसलिए कर रहा हूं कि राग यमन फ्लूट के लिए बना हुआ है, जैसे कि मैं आपको इसके सारे गामा करके आपको सुना रहा हूं। तो ये सातों स्वर जिसमें एक शार्प हाई मध्यम है और बाकी सब फ्लैट है, यानी कि नॉर्मल स्वर। मेन क्या है कि मेरा जो उद्देश्य है कि मेरे घराने की चीजें बहुत सारे लोग बजा रहे हैं, और अभी देश के महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बजा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज किया है और वो सितारखानी अंग यानी कि जोड़ झाला उस तरह करते हैं, लेकिन जो मेरी पद्धति घर की है मैं उसको कायम रखा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य या मेरे सुनने वाले इस परंपरा को भी सुनें, क्योंकि एक जमाने में यही पद्धति ग्रेट ग्रेट पंडित पन्नालाल घोष जी बजाते थे, उसी चीज़ को हमने और सीखने के बाद गायकी अंग की कोशिश करता हूँ, जो कि गायकी अंग की तालीम मैंने उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब, उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब और एक देश के महान बनारस के गुरु पंडित महादेव मिश्रा जी से सीखा। तो संगीत की तालीम तो मैंने अपने पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, अपने दादाजी पंडित गौरी शंकर जी, अपने चाचा जी पंडित विष्णु प्रसन्ना, पंडित भोरानाथ जी, सभी लोगों से सीखा। तो जो ये हमारे घर की स्टाइल है उसमें मैंने जो कोशिश किए है वो मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ कि गायकी अंग की क्या पद्धति है हम जो बांसुरी में कोशिश करते हैं।
तो रागों का जो सिलसिला है, हमने शुरू में उस राग के जो स्वर हैं थोड़ा सा अलाप ढंग से बजा दिए। मेरा बहुत पूरा अलाप नीचे के खरस से लेके तार सब तक मैं बिल्कुल अलाप नहीं करता, एक राग का स्वरूप दिखा के उसके बाद बंदिश करता हूँ। अब बहुत सारे नोट जो मेरे घराने में हैं, जैसे तीव्र मध्यम या कोई फिंगरिंग या कोई ऐसा मैं नहीं करते हैं, हम लोग फूक से ही उसको नीचे निकालते हैं। कि अब जैसे मैं गंधार तक निकाला हूँ तो फूक से ही निकलना चाहिए। कोशिश करते हैं कि शुद्ध मध्यम या गंधार जितने भी चीज़ें हम फूक से निकाल लें, या ऊपर के पंचम अब मीठ दिखाना है तो हम उसको दिखा सकते हैं, तो ये कोशिश करते हैं। अब मैं आपको विलंबित एक ताल की बंदिश सुना रहा हूँ। इसके बोल भी आने चाहिए। भिन भिन धा गे 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 ती र की ट तू ना 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 कत ता था गे 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 ती र की ट धिन धा 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 धिन दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक। तो ये 12 मात्रे का है, लेकिन हम इसको 48 में आएगा, 12 चार चार के भाग करके 12 में 48 बीट्स का। तो हमें बंदिश कहां से पकड़ना है ये आपको मालूम चलना चाहिए। मैं शुरू करता हूं।
कहां से आएगा इस बंदिश को जी? अब क्योंकि आपको मैंने बताया ये 48 मात्रे का जो बिलंपित है, अब ये धा शुरू हुआ है, धा गे गे ती र की ट धिन दो तीन चार पूरे औरदन रिदम को चलने देता हूं। मैं जहां से आएगा वो ध्यान दीजिए आप, अब आपको जो काम कर रहे हैं जो बजा रहे हैं उसको दिमाग में रख के बंदिश की तरफ आपको आना है, दिमाग बंदिश की तरफ लगा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं बिलंपित एक ताल का जो मेन खास गायकी अंग की चीजें। अब अब ये सारी चीजें अगर हम सुनेंगे करेंगे रियाज करेंगे मेहनत करेंगे अपने गुरु से, तो उसको आप दिमाग में रख के आप किसी अच्छे विद्वान गवैये से भी सीख सकते हैं। टेक्निक किसी गुरु फ्लूट के गुरु से सीखने के बाद आपको किसी घराने से, किसी भी रामपुर सेसवान घराना हो, किराना घराना हो, जयपुर अतरौली या आगरा घराना हो, किसी भी घराने से आप सीख रहे हैं तो कोई सीखने में नहीं, मेन जो आपके अपनी अगर सीखने की पद्धति के हिसाब से उसको बढ़ाना चाहते हैं कि गायकी का किस अंग आपको जो पसंद है उसको करना चाहते हैं उसको करिए। तो इसी तरह की मैं आपको ख्याल का जो शुरुआत का जो मैं अंग है मेरा मैं आपको बताना चाहता। नेक्स्ट में कुछ दूसरे राग में आपको चीजें बताता हूं तीन ताल में।